अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो चलिए जी करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उठ के ना मैंने ये नीम के पत्ते काफ़ी दिन से मंगवा के रखे थे, इनको मैंने सारे सही सही निकाल लिए हैं और वॉश कर लिया। अब इसको ना मैं धूप में रख दूँगी ड्राई होने के लिए, और ना जी इसकी ना मैं आपको रेमेडी मैं खुद बनाऊँगी और आपको भी बताऊँगी कि मैंने इसकी कौन सी रेमेडी बनाई है। तो जी इनको मैं ड्राई कर लूँगी, और यहाँ पर ना जो पत्ते बच गए थे ना उसका मैंने पानी बॉयल कर लिया। आजकल ना मौसम ही ऐसा हो गया कि बच्चों को ना एलर्जी हुई है, मैंने कहा चलो बच्चों को इसके साथ नहलाऊंगी। मैंने कहीं से देखा था कि बच्चों को ना नीम के पानी से नहलाते हैं, लेकिन जी कहाँ बच्चे आजकल के। तो यहाँ पे सब हमारी माओ का चिकन बॉयल होने लगा है, ये मैं माओ का चिकन बॉयल कर दी है। तो यहाँ पर देखें जी, तो जी देखा आपने मामा को वो सफाई करने का भूत सवार हुआ है। कह रही थी मम्मा आप मेरी वीडियो बनाएं और मैं सफाई करूँगी। और जी यहाँ पे मामा कह रही है मैं चादर बिछाऊंगी खुद ही, मुझे तो बिछाने नहीं दे रही। कह रही थी मम्मा आप पीछे हो जाए, मैं खुद ही बिछाऊंगी। और ये देखें कैसे लगी हुई है, इसकी इतनी स्पीड नहीं है लेकिन मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट की हुई है, लेकिन ठीक है स्पीड इसकी। और यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर लूँगी, और जो जो समेटने वाली चीज़ें हैं उनको मैं समेट दूँगी, जो जार में डालने वाली है उसको मैं जार में डाल दूँगी। तो ये देखें मैंने अलहदा अलहदा एंगल से आपके लिए ना वीडियो शूट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग बोर ना हो। और यहाँ पे देखें जी चिकन को मैं निकाल के बाकी फ्रिज में रख दूँगी ताकि माँ को जब दोबारा भूख लगे तो वो खा ले। और यहाँ पर देखें मामा को सफाई का भूत है और लाया को बर्तन धोने का, आज इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया था, एक दूसरे को देख के इतने काम किए जा रहे थे। ये देखें मामा सफाई भी करके तो अब बर्तन वॉश करने आ गई है, और मैं यहाँ पे ऊपर से सारा किचन क्लीन कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं हटा के, तो साथ में ओवन भी साफ़ कर लूँगी। और ये देखें मैं एक एक चीज़ उठा के नीचे रख के तो ओवन साफ़ करके फिर मैं इसके ऊपर दोबारा सारी चीज़ें रखूँगी। ये देखें मैं खोल के ना अंदर से भी मैंने कहा चलो साफ़ कर, अंदर तो मुझे तो ये समझ नहीं आती ओवन के अंदर कैसे कली चली जाती है, समझ से बात आएगा। और फिर मैंने साफ़ कर दिया, ये देखें किचन भी साफ़ हो गया। और यहाँ पे ये चार काफ़ी दिन से ना कहीं से आया हुआ था, पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी बाल्टी में ना हमारा जो मैंने चार बनाया था ना उसका ऑयल पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो ये उसमें डाल देती हूँ, और ना कुछ हरी मिर्चें ला के ना वो भी इसमें डाल दूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया, आप क्या लाइ हो, आप लाइ हो फीटर। ओ वाह भाई वाह, ये किसके लिए लाए हो आप? आपके लिए और बहना के लिए। थैंक यू बेबी जान, मैंने को दे दिया। आप जान को दे दिया? हाँ। वाह थैंक यू। और जी फिर आपने देखा मामा ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, इसको काम करते करते याद आया कि जी मम्मा को भी सरप्राइज़ दे दूँ। और यहाँ पे मैं फ्रेश धोने लगी हूँ तो कह रही मम्मा मैं धोऊँगी, तो आ गई है फटाफट धोने के लिए। और अब इसने देखें धो के वेपर भी लगाने लग गई है, तो अब यहाँ पे माओ के पास आ गई, माओ अपने बेड पे बैठी हुई है आराम से, तो अब माओ के साथ खेलने का टाइम हो गया मामा का। देखें उसको उठा रही है, कभी प्यार कर रही है, बस ऐसे ही सारा दिन उसके साथ खेलती रहती है। और यहाँ पर देखें जी मामा अब मैंगो खा रही है, मैंने कहा लाओ मैं काट देती हूँ, कह रही नहीं मम्मा मैंने ऐसे ही खाना है, तो मैं इसको मजाक कर रही थी, मैंने कहा उतना आपका फेस नहीं जितना मैंगो है। और यहाँ पे जी हो गया खाने का टाइम, और मैं ना रोटियाँ बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी मैं आपको बताती हूँ आज मेरे साथ हुआ क्या, मैंने ना ये वाली वीडियो जो है ना पहले एडिट की, फिर उसमें वॉइस की, तो फिर जी मैंने दबा दिया डिलीट का बटन, तो मेरी सारी मेहनत गई पानी में। फिर मैंने ये दोबारा एडिट की आपके लिए, तो यहाँ पे मेरे से ना रोटी जल गई थी, बच्चे मुझे बुला रहे थे बार बार, तो बस बच्चों के ना तरफ गई हूँ तो रोटी जल गई। और यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ था मैं उसके सारे कबाब बना के इसको भी ख़त्म करूँगी। और जी मैंने ना इसके कबाब बना लिए, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, चलें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने खुद ही खाने हैं, कौन से कोई किसी को खिलाने हैं, कोई मसला नहीं है। तो जी फटाफट मैंने कबाब बना लिए, और ना
बस बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने आज कबाब ही खाने और कुछ नहीं खाना। बच्चे खाते तो है नहीं है कुछ, चले कबाब ही खा लेते इतने ही बहुत है। और यहाँ पे जी बन के तैयार हो गए हैं, आ जाए आप भी खा लें। और ना यहाँ पे मैं अलाया को प्लेट रेडी करके दूंगी। अलाया को ना बहुत शौक होता है कि मेरी ना मम्मा मुझे ऐसे प्लेट रेडी करके दे। ये देखिए मैं सबसे पहले एक रोटी मैंने रखी है अलाया के लिए और उसमें ना कबाब डाल दूंगी। बस ऐसा सिंपल सा बंदा करके बच्चों को दे दे, चलो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जी यहाँ पे मैं केचप डालने लगी थी, फिर मेरे माइंड में आया चलो अलाया नहीं खाना है तो मैं ना ए बना देती हूँ। फिर मैंने उसका ए बना दिया टेढ़ा मेरा सा। तो अलाया बहुत खुश हो रही थी, मम्मा ने मुझे इतनी प्यारी प्लेट बना के दी है। तो कैसी लगी आपको ये सिंपल सी प्लेट? और अब अलाया खा के चेक करिए कि कैसी है। और अलाया को बहुत पसंद आई है। और जी फिर मैंने आधी रोटी अपने लिए रख ली तो मैंने उसके ऊपर खीर डाल के वो खा ली।